गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेटा इकोनॉमिक्स 12th की क्लास करेंगे और हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेटा नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, और इसके साथ साथ इससे नेशनल इनकम के जो डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे बेटा दैट इज अबाउट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे बेटा दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, क्योंकि फैक्टर इनकम ही अर्न इनकम है, राइट। दूसरा, इट इज द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी। दो चीजें इसमें, तो इसके बेस पे नेशनल इनकम की दो फीचर्स बनती हैं। पहली कि नेशनल इनकम में केवल फैक्टर इनकम होनी चाहिए, क्योंकि फैक्टर इनकम इज ऑल्सो नोन एज अर्न्ड इनकम। राइट, दूसरा, नेशनल इनकम में जो हमें टोटल निकालना है वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द इकोनॉमी का, जो उन्होंने इनकम की है केवल वो निकालना है बेटा। जैसे मैं बात करूं कि इंडिया की नेशनल इनकम निकालनी है तो मैं बोलूंगा कि इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा एक वर्ष में एक अकाउंटिंग पीरियड में कमाई गई आय का जो जोड़ है बेटा वो नेशनल इनकम है। ठीक है, नेशनल इनकम फॉर इंडिया इज द टोटल इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पे दो चीजें जो हमें ध्यान रखनी होती है वो है कि बेटा एक तो ये अर्न इनकम है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम, और दूसरा नेशनल इनकम में केवल नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट इकोनॉमी, ठीक है, जिसकी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करें उनके द्वारा जो इनकम अर्न की गई है केवल वही काउंट करनी, राइट। तो सबसे पहले बात करते बेटा फैक्टर इनकम की, व्हाट इज फैक्टर इनकम। देखिए फैक्टर इनकम में हमने पहले भी थोड़ा सा बात की थी बेटा, फैक्टर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम इज द टोटल इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर इनकम, देयर आर बेसिकली फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच रेंडर देयर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आफ्टर रेंडरिंग देयर सर्विसेज दे विल गेट सम मनी फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एंड दिस मनी और दिस इनकम इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम को हम दो पॉइंट से स्टडी कर सकते हैं, एक द पर्सन और द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हु प्रोवाइड सर्विस, उनके लिए वो इनकम है। बट अगर यही बात हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो फैक्टर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम इज द पेमेंट बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर बिकॉज प्रोड्यूसर सेक्टर यूज फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। जब फैक्टर सर्विसेज आप लोगे, फैक्टर सर्विसेज में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनकी सर्विसेज आती है बेटा। तो इनके बदले जब एक प्रोड्यूसर सेक्टर इनकी सर्विसेज लेगा टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, तो इनकी सर्विसेज के बदले उनको जो पेमेंट करनी पड़ती है वो पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर के लिए फैक्टर पेमेंट सॉरी फैक्टर इनकम है और प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए वो फैक्टर पेमेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है बेटा दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में दिस इज द रिवार्ड अगेन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द लेबर। लेबर को मिलने वाला रिवार्ड है, लेबर जब प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो उसके बदले जो उनको रिटर्न मिलता है उसको हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और जो लेबर है बेटा वो दो तरीके के एफर्ट डालता है, एक फिजिकली और एक मेंटली। एक फिजिकली और एक मेंटली। फिजिकली जो एफर्ट डाले जाते हैं उसके लिए वेजेस मिलता है, और जो मेंटली एफर्ट डाले जाते हैं बेटा उसके लिए सैलरी मिलता है। दूसरा जो फैक्टर इनकम है बेटा दैट इज कॉल्ड रेंट। रेंट इज द रिवार्ड गिवन बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द ओनर ऑफ लैंड। ठीक है, आपने
प्रोड्यूसर सेक्टर ने जब किसी की लैंड यूज की है उसके बदले जो रिवार्ड मिलता है उसको हम रेंट कहते हैं, उसको हम रेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने किसी की जगह यूज की, किसी की जमीन यूज की है, तो उसकी जमीन यूज करने के बदले मुझे उसको किराया पे करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए पेमेंट होगी, बट जो ओनर है, ओनर ऑफ द लैंड, उसके लिए वो इनकम होगी, तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। थर्ड वन इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द रिवार्स अगेन कैपिटल। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग कैपिटल, ठीक है, अगर आपने वो कहीं से बोरो किया है तो उसके बदले आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं, राइट। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर। प्रॉफिट इज द रिवार्ड अगेंस्ट एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु विल टेक रिस्क, हु विल टेक रिस्क, ठीक है, उसके रिस्क के बदले जो उसको रिटर्न देती है वो मिलता है बेटा प्रॉफिट। ठीक है, दीज आर कॉल्ड फैक्टर इनकम एंड दीज आर द अर्न इनकम। व्हाई इट इज अर्न इनकम, बिकॉज ऑल दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और उसके बदले उनको वो आय प्राप्त हुई है, इसका मतलब उन्होंने ये आय कमाई है आफ्टर प्रोवाइडिंग, आफ्टर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। यहीं पे बेटा एक कॉन्सेप्ट और आता है, क्योंकि मैं बार बार अर्न इनकम कह रहा हूं, तो नेशनल इनकम में अर्न इनकम इंक्लूड होती है। हम बोलते हैं नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अन अर्न इनकम भी होती है बेटा। अन अर्न इनकम को हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। अन अर्न इनकम को बेटा हम लोग ट्रांसफर इनकम कहते हैं। पहले बहुत डिफरेंस पूछा जाता था, 3 या 4 मार्क्स में बहुत भारी क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा बता रहा हूं। ट्रांसफर इनकम इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, बिना कमाई गई आय, जो आपको बिना कोई प्रोडक्शन में या सर्विसेज में कॉन्ट्रीब्यूट किए प्राप्त हो जाए उसको हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। और ट्रांसफर इनकम को हम कहते हैं बेटा यूनिलैटरल इनकम। यूनिलैटरल इनकम क्यों है? वन साइडेड है। इनकम प्राप्त करने वाले को द पर्सन हु इज रिसीविंग द इनकम इज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। और इसका एग्जांपल होता है बेटा ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनी, राइट, और स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। ये सब ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल है। ट्रांसफर इनकम इज दैट इनकम विच इज नॉट अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग बाय रेंडरिंग सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अनअर्न्ड इनकम कहते हैं बेटा यूनिलैटरल इनकम है, वन साइडेड है। वन साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि केवल लेने वाले को इनकम मिल रही है, इज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल है ओल्ड एज पेंशन या फिर पॉकेट मनी या फिर स्कॉलरशिप। और इसमें जो बहुत खास चीज है बेटा, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जब हम एस्टिमेट करेंगे, नेशनल इनकम जब हम निकालेंगे, तो ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते। अब इसी के साथ अगर मैं कंपेयर करूं फैक्टर इनकम को फैक्ट्री इनकम, अर्न इनकम है, कमाई है, ठीक है, कमाई क्यों है मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि ये कमाने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड आवर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसके बाद हमें मिलेगा, ठीक है। ये यूनिलैटरल है, तो ये बेटा बायलैटरल से द्विपक्षीय है। द्विपक्षीय का मतलब क्या है कि हम लोग सर्विस देंगे उसके बाद हमें इनकम मिल रही है, वी आर जनरेटिंग द इनकम आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। और इसका जो एग्जाम्पल है बेटा मैंने भी बता दिया, सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसको हम इसमें एग्जाम्पल में, राइट। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो इसलिए हम कहते हैं
कि नेशनल इनकम इज द सब टोटल ऑफ अर्न्ड इनकम बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। आई होप बेटा आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इसके बाद करते हैं पहली चीज होगी बेटा हमारी कि अर्न्ड इनकम की बात करनी थी हमें। अर्न्ड इनकम में फैक्ट्री इनकम आती है। दूसरी बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट की, क्योंकि नेशनल इनकम की डेफिनेशन में दो ही चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहला, इनकम मस्ट बी अर्न, इनकम जो है कमाई गई होनी चाहिए। दूसरी, बाय द नॉर्मल रेडिएंट ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। तो व्हाट इज नॉर्मल रेडिएंट ऑफ एन इकोनॉमी? नॉर्मल रेडिएंट ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी एनी पर्सन हू इज लिविंग within an economy for 1 year or more than 1 year। कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसी संस्था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी इकोनॉमी में एक साल या उससे ज्यादा समय से रही है, पहली फीचर्स। दूसरी फीचर, एंड हिट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट मस्ट लाइज विद इन दैट इकोनॉमी, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इकोनॉमी में दो फीचर्स हैं, दो कंडीशंस हैं। पहला, मस्ट सिचुएटेड दैट इकोनॉमी, मस्ट लिव इन दैट इकोनॉमी फॉर 1 year और मोर देन 1 year, एटलीस्ट 1 year हो या फिर उससे ज्यादा हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था जो एक देश में एक वर्ष या उससे ज्यादा समय से रह रही हो, पहली कंडीशन ये है। एक वर्ष से कम समय वाले लोगों को हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करते। सेकंड जो कंडीशन है बेटा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मस्ट लाइज इन दैट इकोनॉमी, कि उसका जो आर्थिक हित है वो उसी देश में लाई करना चाहिए। अब यहां आर्थिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट की मतलब क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है ऑल दोज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जिनसे कि हम पैसा जनरेट करते हैं, खर्च करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, वो उसी देश में होना चाहिए। जैसे कि इकोनॉमिक प्रोडक्शंस, कंजम्पशंस और इन्वेस्टमेंट, दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, के हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट मस्ट लाइज विद इन दैट इकोनॉमी, राइट? तो यहां पर मतलब क्या है इसका, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था किसी भी देश की सामान्य निवासी हो सकती है अगर वो दो शर्तों को पूरा करती हो। पहला, कि वो संस्था या वो व्यक्ति एक वर्ष या उससे ज्यादा समय में उस देश में रह रहा हो, उस देश की इकोनॉमिक टेरिटरी में रह रहा हो। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी इकोनॉमी में लाई करता हूं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी इकोनॉमी में लाई करता हो। तो यहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये है कि बेटा वो वहीं पे प्रोड्यूस कर रहा हो, वहीं पे कंज्यूम कर रहा हो अपनी इनकम को, और वहीं पे वो उसको इन्वेस्ट कर रहा हो। ये ना हो कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो अमेरिका का है वो रह रहा है भारत में एक साल से ज्यादा टाइम से रह रहा है, बट क्या कर रहा है, इनकम कमा के यहां पर अपने देश में भेज रहा है। अगर वो इनकम कमा रहा है यहां और भेज रहा है अपने देश में, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे लाई करेगा? इट विल लाई इन अमेरिका। तो ही विल कंसीडर एज नॉर्मल रेजिडेंट फॉर द अमेरिका, नॉट फॉर द इंडिया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, कि वो एक वर्ष या उससे ज्यादा समय से हमारे देश में रहना हो, अगर हमें भारत के सामान्य नागरिक की बात करनी है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बात करनी है। दूसरा, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भारत में ही लाई करना चाहिए, ठीक है? तो यहां पे बेटा इन चीजों से, इस कॉन्सेप्ट से दो चीजें क्लियर होती हैं, कि जो नॉर्मल रेजिडेंट है, पहला आपको कंडीशंस मैंने बता दी। अब नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब कतई भी सिटीजन नहीं होता, ठीक है? नॉर्मल रेजिडेंट कैन बी अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री और सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री आल्सो,
यानी कि सिटीजनशिप और नॉर्मल रेजिडेंस, दीज आर टू डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट। सिटीजनशिप का मतलब बेटा, सिटीजनशिप को आप लीगली या बाय बर्थ किसी देश की ले सकते हैं, ठीक है, बट जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो एक अलग चीज है। देखिए, इंडिया में मैंने जन्म लिया तो ऑब्वियसली बात है आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। बट कुछ टाइम के बाद मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका चला जाता है या जापान चला जाता है और वो वहीं पे रह रहा है, कमा भी वहीं रहा है, ठीक है, और आपका सेविंग भी वहीं कर रहा है, कंज्यूम भी वहीं कर रहा है, भले ही उसने जन्म भारत में लिया है, भले ही वो भारत का सिटीजन है, बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई कर रहा है बेटा, जापान नहीं कर रहा है, तो ही विल नेवर बी कंसिडर्ड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ही विल बी कंसिडर सिटीजन ऑफ द इंडिया, बट उसकी जो नेशनल इनकम जनरेट हो रही है वो कहां पे हो रही है, वो अमेरिका या फिर जापान में होगी, जहां पे वो लाई करता है और जहां पे वो उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट में उसका, जहां पे वो अपना सारा पैसा कमा रहा है, खर्च कर रहा है या फिर इन्वेस्ट कर रहा है, जहां पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है। इसलिए हमें दो चीजें जरूर ध्यान रखनी है, पहला कि बेटा वो एक साल या उससे ज्यादा समय के लिए भारत में रहता हो, दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां पे लाई करता हो, इंडिया में ही लाई करता, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये दो कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाई समझ आई होगी। इसके बाद बेटा हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।